हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट पैराजंपल ट्रिक्स। और इस वीडियो क्लास में मैंने एक रियल पैराजंपल लिया है IBPS SO एग्ज़ाम का, इसको हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स सिखाऊंगा, बेस्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा। इन ट्रिक्स को यदि आप अप्लाई करते हैं तो किसी भी पैराजंपल को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग का पैराजंपल हो या SSC का पैराजंपल हो। तो इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा पैराजंपल को सॉल्व करने की, और रियल एग्जांपल के थ्रू मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑसम ऑफर एट examinee.in, ये ऑसम ऑफर क्या है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि आप बैंक PO का, बैंक क्लर्क का, SSC एग्ज़ाम का और ग्रामर का, ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज हमारे थ्रू आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी साइट पर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इनका जो MRP है, जो अलग अलग प्राइस है, हालांकि हमारे हमारे कोर्सेज़ की फ़ीस जो रहती है वो बहुत ही कम रहती है, तो इन चारों कोर्सेज़ की जो फ़ीस है वो 10,350 है। लेकिन दो दिन के लिए मैंने ये ऑफ़र निकाला है, इन चारों कोर्सेज़ को आप केवल इस प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं, केवल ₹2950 में। बैंक PO का इंटीग्रेटेड कोर्स एक साल के लिए, बैंक क्लर्क का इंटीग्रेटेड कोर्स एक साल के लिए, SSC एग्ज़ाम का इंग्लिश और GK का कोर्स, और फुल ग्रामर कोर्स। आप सोचिए कितना कंटेंट आपको मिलेगा, और सॉलिड कंटेंट, टॉप क्लास कंटेंट आपको मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। डेली इसमें वीडियो क्लासेस रहती हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, PDFs आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो ये ऑफ़र केवल 20 और 21 तारीख तक रहेगा, 21 तारीख को 12 बजे तक वैलिड रहेगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, वहां से क्लिक करके इंस्टामोजो के पेज से पेमेंट करके इन चारों ऑनलाइन टारगेट बैचेस को आप केवल ₹2950 में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप सेपरेटली इन 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 बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये न्यूली स्टार्टेड बैचेज हैं, ये 15 तारीख से स्टार्ट हुए हैं सारे बैचेज। यदि आप बैंक PO एक्सक्लूसिव आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका आपको सेपरेट प्राइस पे करना होगा। देखिए, ये है एक पैराजंबल, ये IBPS PO एग्ज़ाम, IBPS SO एग्ज़ाम में पूछा गया है, रियल पैराजंबल है ये। और आजकल बैंकिंग एग्जाम में इसी तरीके के पैराजंबल पूछे जा रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम में भी इस तरह के पैराजंबल पूछे जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जैसे प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अरेंजमेंट के बाद फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकेंड सेंटेंस कौन सा होगा, थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, मेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सेकंड सेंटेंस के बाद, यदि सेकंड सेंटेंस ये है तो इसके बाद थर्ड सेंटेंस कौन सा आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है वहाँ पर क्वेश्चंस को मेंस एग्ज़ाम में। लेकिन मेंस एग्ज़ाम में भी यदि आप पैराजंबल को सॉल्व कर लेते हैं तो चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और पैराजंबल में एक सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि यदि पैराजंबल को आप करेक्टली सॉल्व कर लेते हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही पूरे पूरे हो सकते हैं और पूरे मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए, इसमें करना क्या है आपको, देखिए कोई भी पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है नॉर्मली नाउन से स्टार्ट होता है, और पैराग्राफ को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका ये फिगर आउट करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ठीक है। यदि आपने फर्स्ट सेंटेंस को फिगर आउट कर लिया, फर्स्ट सेंटेंस को निकाल लिया, तो उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेंटेंसेस को आपको लॉजिक के द्वारा, मैंडेटरी पेयर के द्वारा, कॉमन रेफरेंसेस के द्वारा उनको आपको निकालना है, ठीक है। मैंडेटरी पेयर क्या होता है, कॉमन रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये सारा अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको सॉल्व करके हम देखेंगे। अब देखिए, कोई भी पैराग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा, या कभी भी फ्रेज से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। जैसे यदि प्रोनाउन से कोई पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो उस प्रोनाउन के लिए कोई नाउन पहले आया होगा, तभी वो प्रोनाउन आया है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो नाउन से स्टार्ट करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट एनी सेंटेंस और एनी पैराग्राफ विद ए नाउन, पर्टिकुलरली अ पैराग्राफ, पर्टिकुलरली अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। देन वी रिप्लेस दैट नाउन विद द हेल्प ऑफ ए प्रोनाउन। तो प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं ही, शी, इट, दे, वी, यू, दैट, दीज, दोज, ये सारे होंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, आप इन टर्म्स ऑफ दिया है यहां पर, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो इन टर्म्स ऑफ क्या है, एक्चुअली ये कनेक्टिंग वर्ड है, इसके पहले एक सेंटेंस होना चाहिए, यानी यहां से सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री आर फेसिंग दीज, दीज टू टाइप्स, दीज आ गया यहां पर, मतलब ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री
दो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रही हैं, लेकिन वो दो प्रॉब्लम है कौन सी, वो इससे पहले आएगा सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इलिमिनेट करके ये पता लगा रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा। अब देखिए यहां पर देखिए, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर बोथ द करेंट एंड कैपिटल एंड द टोटल रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इट अकर्स। अब देखिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, एक चीज का नाम है, एक ये नाउन है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, एक नाउन है। तो यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक सेंटेंस बन सकता है। इसमें फिस्कल डेफिसिट को डिफाइन किया गया है कि फिस्कल डेफिसिट है क्या और ये कैसे होता है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सिंपल यदि लैंग्वेज में इसको समझा जाए तो फिस्कल डेफिसिट कितना आपके पास आया और कितना आपके पास गया। ठीक है, तो वो होता है मतलब कितना इनकम और कितना एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। यदि इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इनकम आपके पास कितनी इनकम आई और कितने एक्सपेंसेस हुए, तो वो होता है फिस्कल डेफिसिट। इट अकर्स ईदर ड्यू टू डेफिसिट इन रेवेन्यू और इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये होता कैसे है, या तो रेवेन्यू घट गई आपके पास, इट अकर्स ईदर ड्यू टू डेफिसिट इन रेवेन्यू, या तो आपके पास जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, वो घट गया। ठीक है, और जो रेवेन्यू आया, सपोज रेवेन्यू आया 100 रुपये और खर्चा है 120 रुपये, तो ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, या आपका एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया, आपके पास 100 रुपये ही आया लेकिन एक्सपेंस हो गया आपके 120 रुपये, तो ये डेफिसिट एक क्रिएट हो गया। ठीक है, तो या तो रिवेन्यू में डेफिसिट होगा या एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इस तरीके से फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होता है। तो यहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें एक नाउन भी दिया है, इसमें फिस्कल डेफिसिट को डिफाइन किया है। जब हम कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम वहां पर एक एक टाइटल लेते हैं, उस टाइटल को पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसको हम एक्सपेंड करते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट एक टाइटल सेंटेंस लेंगे, उसको हम फिर लॉजिकली हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये सेंटेंस फर्स्ट बन सकता है आपका। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फॉर इंस्टेंस, इसमें क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि फिस्कल डेफिसिट इंडिया का 2008 में इतना था। यहां पर हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल हम कब देते हैं, पहले हम कोई 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 फैक्ट को मेंशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उस चीज का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आपको अप्रिसिएट करना है या क्रिटिसाइज करना है तो पहले आप उसका फैक्ट एक बताएंगे, फिर इस फैक्ट को जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल देंगे कि ये फैक्ट सही है, तो उसको जस्टिफाई करेंगे आप एग्जाम्पल के द्वारा। यानी ये सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड एक फ्रेज है। ऑन द अदर हैंड का मतलब है कि इससे पहले एक सेंटेंस आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए ऑन द वन हैंड ए इज ट्रू, ऑन द अदर हैंड बी इज फॉल्स, कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑन द वन हैंड ये है और ऑन द अदर हैंड ये है। ठीक है, एक तरफ ये सही है और एक तरफ ये सही है, इस तरीके से जब हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऑन द अदर हैंड बेसिकली क्या है, एक कनेक्टिंग फ्रेज है, तो इससे पहले एक सेंटेंस होना चाहिए, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट आपका नहीं बन सकता। अब देखिए, हाउएवर से सेंटेंस क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता, क्योंकि हाउएवर एक कनेक्टिंग वर्ड है। पहले हम एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हाउएवर लिखेंगे, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। हाउएवर का मतलब क्या होता है, हम एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं हाउएवर के थ्रू। एक कनेक्टिंग वर्ड है ये कंजक्शन है, तो कंजक्शन के द्वारा हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो दूसरा सेंटेंस तो इसमें है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जो जुड़ना चाहिए वो कहाँ है, यानी यहां से फर्स्ट सेंटेंस, यहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया, निकाल के एलिमिनेट करके सेंटेंसेस को बताया कि ये सेंटेंसेस फर्स्ट सेंटेंस क्यों नहीं हो सकते। और चूंकि ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, तो इसलिए यही सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इसी तरीके से बैंकिंग एग्जाम में आपको इन बड़े बड़े सेंटेंसेस को करना है, और इसी तरीके से सारे लोग जो टॉपर्स और रैंकर्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं, इन ट्रिक्स को आपको नोट करना है कि नाउन से स्टार्ट होगा पैराग्राफ, उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आएगा, और कॉमन रेफरेंस पॉइंट आपको क्रिएट करना है, मैंडेटरी पेयर आपको क्रिएट करना है, ये अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से सेंटेंस जो पैराग्राफ है वो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने सारे लॉजिक लगा के देख लिए कि यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा,
यहां से नहीं होगा, यहां से नहीं होगा, यहां से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहां से सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, सी से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो सकता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सी। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा सा जल्दी से इन ट्रिक्स को सोचना है और दिमाग को अपने दिमाग में जो ट्रिक्स आ रही हैं उनको अप्लाई करना है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर बोथ द करेंट एंड कैपिटल एंड द टोटल रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। इट अकर्स ईदर ड्यू टू डेफिसिट इन रेवेन्यू और इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दो तरीके से हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट अपने आप में एक प्रॉब्लम है और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए या आपका रेवेन्यू घट गया। दो चीजों की इसमें हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले सेंटेंस को देखिए। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री आर फेसिंग दीज टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। दीज टू टाइप, देखिए यहां पर रेफरेंस दिया गया है, दीज टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दीज टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम कौन सी है कि एक सिचुएशन में एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है और दूसरी सिचुएशन में रेवेन्यू आपका घट जाता है। तो इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस के थ्रू एक लिंक बन रहा है, यानी सी का लिंक बी से बन रहा है। मतलब जो बात हमने सी में बोली है उसी को हम एक्सपेंड करके किस में बोल रहे हैं, बी में बोल रहे हैं। कॉमन रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्योंकि यहां पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं और यहां पर हम बोल रहे हैं दीज टू टाइप्स, यानी सी और बी का एक मैंडेटरी पेयर यहां पर बन रहा है। मैंडेटरी पेयर का क्या मतलब है? मैंडेटरी पेयर का मतलब है कि लॉजिकली कनेक्टेड पेयर है ये। तो यहां पर बन जाएगा सी बी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री आर फेसिंग दीज टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम लीडिंग टू फिस्कल डेफिसिट एक्सेप्ट फॉर साउथ कोरिया विच हैज बीन बोथ द डेफिसिट एंड सरप्लस विथ हैज बोथ द डेफिसिट एंड सरप्लस ड्यूरिंग 2008 to 15। मतलब सारी डेवलप्ड कंट्री इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, केवल साउथ कोरिया को छोड़ के जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं है डेफिसिट और सरप्लस की। तो यहां पर हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल सकता है कि साउथ कोरिया की इसमें बात की गई है। अब एक ऐसा सेंटेंस हमें देखना है जो इस सेंटेंस का एक्सटेंशन बन सकता है। अब हम इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। यहां पर इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, नहीं नहीं यहां पर इंडिया की बात हो रही है। यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर ये लिंक मिल गया। ऑन द अदर हैंड, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि साउथ कोरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउथ कोरिया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहां पर हम बोल रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड अनलाइक साउथ कोरिया, देखिए उस सेंटेंस में भी, बी सेंटेंस में भी साउथ कोरिया है और ई सेंटेंस में भी साउथ कोरिया है। ऑन द अदर हैंड अनलाइक साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स हैड फिस्कल डेफिसिट ऑफ मोर देन 12% ऑफ इट्स जीडीपी। अनलाइक साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स हैड फिस्कल डेफिसिट ऑफ मोर देन 12% ऑफ इट्स जीडीपी। जीडीपी का 12% फिस्कल डेफिसिट है साउथ इसका, यूनाइटेड स्टेट्स का, और साउथ कोरिया में पोजीशन सही है। तो अनलाइक साउथ कोरिया हम बोल रहे हैं, पहले हम साउथ कोरिया के बारे में बोल रहे हैं, फिर हम अनलाइक साउथ कोरिया बोल रहे हैं, यानी इसके बाद ई सेंटेंस लॉजिकली कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद हम कहां जाएंगे, कहां से सेंटेंस लेंगे, ठीक है। अब हम देखते कहां से लिंक मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अनलाइक साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स हैड फिस्कल डेफिसिट ऑफ मोर देन 12% ऑफ इट्स जीडीपी ड्यूरिंग 2009। वन रीजन फॉर दिस ह्यूज डेफिसिट कैन बी ड्यू टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस विच स्टार्टेड इन द यूएस इन 2008, ठीक है। इसके बाद आ सकता है आपका, इसके बाद आ सकता है, देखिए यहां से थोड़ा सा देखते हैं हम। इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री द ट्रेंड सिमिलर टू दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री हैज बीन ऑब्जर्व, हाउएवर मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री हैव टेकन मेजर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए पहले इन तीन सेंटेंसेस में हमने डेवलप्ड कंट्री की बात की है और यहां से हम डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं। इन टर्म ऑफ फिस्कल डेफिसिट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री द ट्रेंड सिमिलर टू दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री हैज बीन ऑब्जर्व, मतलब डेवलपिंग कंट्री में भी सेम ट्रेंड देखा गया है। तो इसको हम लगा सकते हैं। अब देखिए अब हम यहां पर आते हैं, ठीक है।
अब हम इस बात इसके बाद ये सेंटेंस ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं? फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फॉर इंस्टेंस इन 2008, यहां पर हम, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, विकासशील देश है। तो ए में हम डेवलपिंग कंट्री के बारे में बता रहे हैं, और यहां पर फिर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको, उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, डी में, कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया फॉर इंस्टेंस। तो यहां पर हम पहले लेंगे ए को, ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे डी को, और उसके बाद कौन सा सेंटेंस बचा? उसके बाद सेंटेंस बचा आपका हाउएवर वाला, वो आखिरी में आ जाएगा क्योंकि उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सी बी ई ए डी एफ। अब देखिए, देखने में ये कितना कठिन लग रहा था, लेकिन लॉजिकली जब इसको किया तो ये थोड़ा सा सरल हो गया। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, और इसके बेस पर फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस कौन सा है इसमें? थर्ड सेंटेंस ई है इसमें आपका, तो ई किस में दिया है? फोर में, तो आपका आंसर होगा फोर। सेकेंड सेंटेंस क्या है? सेकेंड सेंटेंस है आपका बी, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? फर्स्ट सेंटेंस है आपका सी, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिफ्थ सी बी ई ए डी, डी है आपका, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इस तरीके से कर सकते हैं, सी बी ई ए, ए है आपका फोर्थ, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको करना है पैराजंबल को। ये पैराजंबल जो है ये आईबीपीएस एसओ में पूछा गया है, तो इससे एक आइडिया लग सकता है कि देखिए इस तरह का पैराजंबल आपसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बैंक पीओ मेंस में, एसओ मेंस में, एसओ का एग्जाम भी अब होने वाला है, तो उसमें भी इस तरह का पैराजंबल आपसे पूछा जा सकता है। सेम ट्रिक्स रहती हैं, देखिए एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, सेंटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स सेम रहती हैं, फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द सेम। तो उन फंडामेंटल्स को आपको सारे पैराजंबल पर अप्लाई करना है, और इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप मेरा ऑसम ऑफर ज्वाइन करना चाहते हैं, या बैंक पीओ की एक्सक्लूसिव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस हैं मेरी इंग्लिश की और करंट अफेयर्स की, और उनको पढ़ के, उनको उनको ज्वाइन करके, उनको अप्लाई करके आप निश्चित रूप से बैंक पीओ एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बैंक पीओ कोई सा भी एग्ज़ाम, चाहे एसओ हो, चाहे बैंक पीओ हो, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम भी अभी मार्च अप्रैल में आने वाला है, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम भी अभी एक नोटिफिकेशन निकला है, तो इन सभी एग्जाम के लिए आप हमारा बैंक पीओ का इंटीग्रेटेड टारगेट बैच आप ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। बहुत ही कम फीस है, और सारी क्लासेस आप examinee.in इस वेबसाइट पर देखेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको भेजा जाएगा, सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, सारा गाइडेंस आपको दिया जाता है। तो इस फैसिलिटी का आप फायदा उठाएं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें। इन सारे नंबर्स के थ्रू आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेंगी, उन लिंक्स के थ्रू इन कोर्सेज को और ऑसम ऑफर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।